अच्छा, इस लेक्चर में, ये लेक्चर 4 है, इसमें हम देखेंगे कि लेक्चर 4 में हम देखेंगे कि ये जो है जो क्विज़ है वो हम देखेंगे कि क्विज़ क्या है। ये आपने क्विज़ सॉल्व करना है, बेसिकली इसको रिसर्च करें आप वेब से कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। ये आपने रिसर्च करना है और आंसर करना है, फिर क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपने रिसर्च करना है और वो करना है, फिर जावास्क्रिप्ट के कोडर की क्या डेजिग्नेशंस हैं ये आपने रिसर्च करना है, फिर अप्रोक्सीमेट सैलरी क्या है जावास्क्रिप्ट डेवलपर की, ठीक है, ये आपने रिसर्च करना है। जावास्क्रिप्ट कहाँ से मिलता है, ये तो इजी सा है, ठीक है, लेकिन वैलिड देना चाहिए आपको आंसर बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे होते हैं, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल हम किस वक्त जो है विदाउट डिक्लेयरिंग यूज़ कर सकते हैं, फिर प्लस ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, सीएसएस यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, प्रोफेशनल डेवलपर्स जो है कौन सा केस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपका क्विज़ है, ठीक है, और से इसको देखना है, इसको पढ़ना है और इसको रिसर्च करके ये आपने सबमिट करवाना है। फिर है आपकी असाइनमेंट, तो असाइनमेंट आपकी बेसिकली ये है, जो आपने असाइनमेंट करनी है वो ये करनी है, ठीक है, ये आउटपुट उसकी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने असाइनमेंट जो है ये करनी है, इसमें आप देखें कि ये चीज़ हमने पहली बारी असाइनमेंट में की है, आपने वो चेंज करना है, और फिर उसी तरह प्रॉपर वेरिएबल नेम दे के लेट यूज़ करके प्रॉपर तरीके से आपने कोड लिखना है। ये कोड भी चेक होगा इसका, जाहिर है कोड चेक होगा, और ये आउटपुट इसी तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल यही कलर्स और बिल्कुल इसी तरह की आउटपुट चाहिए, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि बेसिकली हम कैसे, हमारा नेक्स्ट बेसिकली कंडीशंस है, हम कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं कि कंडीशंस इफ एल्स कैसे यूज़ होता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस की करेंगे ताकि हम ऐप्स बना सकें, ठीक है। हम टॉपिक भी कवर करें लेकिन साथ साथ में एक ऐप हो जाए जो कि हमारे काम आए। ओके ओके, थैंक यू। ये आपने एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आपने सबमिट करवाना है विद वीडियो, ठीक है, यानी राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये आउटपुट आनी चाहिए। इसी तरह क्विज़ के भी जो भी वैलिड पॉइंट्स हैं वो आपने ये बताना है कि जैसे ये क्विज़ है तो आपने क्विज़ में जाना है और ये इसके नंबर्स बताने हैं, इधर जो है ये इस तरह करना है, फॉर एग्जांपल इसका है ये डी, तो ये ऐसे करना है डी, ठीक है, ये ट्रू, ये एक को ट्रू करना है कि ये वाला ट्रू है, ठीक है। या आप अलग-अलग फाइल बना लें और पहले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर वन आंसर डी, ठीक है, ऐसे आपने लिखना है। कैसे सबमिट करवाना है कि क्वेश्चन वन डी, क्वेश्चन टू ई, क्वेश्चन थ्री, इस तरह आपने ये सबमिट करवाना है। और ये जो है ना, ये आपने वीडियो में शेयर करना है कि कौन सा है, तो इसकी मार्किंग होगी, ठीक है। ओके जनाब।